राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक की हत्या के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीजीपी मुख्यालय से सभी पुलिस कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं अधिकारियों को फील्ड में फुल पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कानपुर दक्षिण ने आज विरोध का ऐलान किया है। हत्या के विरोध में कानपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोर्चा पुतला दहन करेगा। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना राशिद फिरंगी महली ने उदयपुर की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि पैगंबर ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मन को माफ़ करना सिखाया है। उदयपुर के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हम शहरवासियों से अमन और शांति की अपील करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। पुल के वाकये की हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं, और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीके की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और फिर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से यही पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है, और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं करनी है। और पैगंबर इस्लाम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें, और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हर तरीके से सब लोगों को चाहिए, तमाम शहरियों को चाहिए कि अमन अमान कायम रखें। ये मेरी दर्द मंदाना सभी से अपील है।